वैष्णो मेकओवर द्वारा महानगर मुरादाबाद में पहली बार 20 तारीख से 5 दिन की मास्टर क्लासेस स्टूडेंट महिलाएं एवं बालिकाओं को दी गई। 3 महीने पूर्व में भी वैष्णो मेकओवर द्वारा फ्री क्लासेस स्टूडेंट को दी जा चुकी हैं। 3 महीने पूर्व में भी दी गई क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट को काफी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी उन्हें मिला। मेकओवर की बढ़ती लोकप्रियता के चलते एक बार फिर वैष्णो मेकओवर की संचालिका बिमला सक्सेना की बेटी कामना सक्सेना के द्वारा 5 दिन की क्लासेस दी गई, जिसमें आने वाले स्टूडेंट को कलर व्हील थ्योरी एवं 3 एडवांस हेयर स्टाइल एवं मेकअप डेमोस्ट्रेशन, गार्डन सेरेमनी, फेसबुक सेशन की क्लास दी। मेकओवर की संचालिका बिमला सक्सेना ने बताया कि वैष्णो मेकओवर द्वारा 5 दिन की मास्टर क्लासेस दिनांक 20/8/2022 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें 5 दिन के मास्टर क्लास में मुख्य आकर्षण पहले दिन कलर व्हील थ्योरी क्लासेस, दूसरे दिन स्किन थ्योरी, तीसरे दिन हेयर थ्योरी एवं 3 एडवांस हेयर स्टाइल की क्लासेस, चौथे दिन मेकअप डेमोस्ट्रेशन, पांचवें दिन गार्जियन सेरेमनी एवं फेसबुक सेशन क्लास दी गई। एवं आज दिनांक 25/8/2022 को वैष्णो मेकओवर की संचालिका बिमला सक्सेना के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किए गए। और आप सबको जानकर हर्ष होगा कि वैष्णो मेकओवर की दूसरी ब्रांच चौमुक्का पुल दीनदारपुरा जेआर अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज के बराबर में खुल चुकी है। मुरादाबाद में पहली बार वैष्णो मेकओवर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, जिसमें केवल 25,000 में फुल कोर्स 1 महीने में सिखाया जाएगा, जिसमें हेयर्स मेकअप और थ्योरी दी जाएगी। ये आपने इन 5 सालों में क्या कहते हैं? फिर इसके बाद हमें स्किन के बारे में सब कुछ बताया और ये सभी मेकअप बताए थे और स्किन के बारे में हेयर स्टाइल भी काफ़ी सारे सिखाए। दीदी के दीदी का कैसा लग रहा सीख के आपको? सीख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो क्या करेंगे आप लोग इतना? मैं इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ और दीदी से ही कॉन्टैक्ट में चाहती हूँ इसी आगे और कुछ। आज एडमिशन भी करा लिया है इन्होंने अपना फुल कोर्स। मेरा नाम दीपांशी पटनागर है। कौन सा कोर्स सीखा और कहाँ पर सीखा आपने? हमने 5 डेज का मास्टर क्लासेस कोर्स सीखा है वैष्णो मेकओवर पे। तो क्या सीखा आपने? सर यहाँ पे हमने फर्स्ट डे स्किन थ्योरी, सेकंड डे हेयर स्टाइल और थर्ड डे हमने मेकअप सीखे, हेयर स्टाइल सीखे काफ़ी डिफरेंट टाइप के और कैसी कैसी स्किन्स होती हैं उन पर हमने वर्क किया। मैम ने हमें बहुत अच्छे से वर्क सिखाया और हमारी इसके वर्क डेवलपमेंट किया, हमें कैसे काम करना है आगे जाके अपनी फील्ड में और क्लाइंट से कैसे मिलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, अपना इंस्टाग्राम अपना फेसबुक वगैरह कैसे आगे हमें इंक्रीज करना है, वो सब हमने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है इन 5 डेज में और हमारे अंदर काफ़ी डेवलपमेंट आया है इन 5 डेज में और हम बहुत ही थैंकफुल हैं मैम के कि इन्होंने हमारे पे इतने सारे स्टूडेंट होने के बाद भी एक एक स्टूडेंट पे इन्होंने वर्क किया है, बहुत अच्छे से वर्क किया है और बहुत ही डीपली वर्क किया है इन्होंने। किसी भी बच्चे को कोई भी शिकायत तो नहीं रही कि हमें कुछ नहीं आया और हमने जैसे जैसे मैम हम सिखाती रही हम घर जाके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे और हमें बहुत अच्छा लगा और हम आगे तक जुड़े रहेंगे मैम के साथ और हमारा ग्रुप भी है और कोई भी प्रॉब्लम होगी हम फर्स्ट टाइम और काम में मैम को एकदम याद करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ सीखा। मेरा नाम कामना सक्सेना है। आज जो 5 डेज का मास्टर सेशन था उसका सर्टिफिकेशन डे था, जिसमें 28 स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 5 डेज का ओवरऑल हमने मेकअप थ्योरी एंड हेयर का क्लासेस दिया था, जिसमें सारे बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज अपनी को सर्टिफिकेट मिला है। कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम था ये सर्टिफिकेशन डे और कुछ लोग पहले से भी मेकअप सीख चुके हैं, बट उन लोगों का भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी तरफ। अप्रॉक्सीमेटली 28 स्टूडेंट्स थे मेरे इस बैच में। तो कैसा लगा उन लोगों को? उन लोगों को सीखकर बहुत अच्छा लगा है, सभी लोगों का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, उन लोगों का बहुत ज़्यादा उन लोगों ने सीखा है इन दिनों आकर। जो लोग पहले से भी अपना पार्लर चलाते थे वो लोग भी मेरे पास आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निक्स जो थी वो चेंज हो चुकी है मेकअप की, तो वो लोग न्यू टेक्निक मेरे पास आकर सीखे हैं और वो लोग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेरे पास सीखना चाहते हैं और कुछ बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है जो मेरे से फुल कोर्स भी सीखना चाहते हैं। हाँ, भविष्य में भी ऐसी क्लासेस रहेंगी क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी इसकी 3 महीने पहले मैंने करी थी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ही थी। ये सेकंड मेरा 5 डेज का मास्टर सेशन है, सो कोशिश करूंगी कि 2-3 महीने बाद फिर से मैं इसको दोबारा 5 डेज का क्लासेस करूँ, जिससे कम पैसों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। आपका मोटिवेशन?
मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे लगन से सीखना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, बट वो चीज़ फाइनेंशियली वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। प्लेटफॉर्म पूरे मुरादाबाद में बहुत सारे हैं, बट कम रेंज में प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कम रेंज में ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, और इस प्लेटफॉर्म में आके मैं सारे लोगों को ही कंसिडर करती हूँ, और मैं सारे लोगों को अपनी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करती हूँ। हर एक बच्चा मेरे लिए स्पेशल है, हर एक बच्चे को मैं अपने तरीके से ट्रीट करती हूँ। जिसको इंग्लिश में सीखना है वो इंग्लिश में सीख सकता है, जिसको हिंदी में सीखना है वो हिंदी में सीख सकता है, और इसको मैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रखूँगी। ओके, बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा मेरे साथ देना, मैं आपका साथ दूँगी, और जितना वो मुझे साथ देंगे उतना ही मैं उनका साथ दूँगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि बॉन्ड एक तरफ से नहीं, बॉन्ड दोनों तरफ से होता है। क्योंकि मैं अगर आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो आप अपनी लगन के साथ सीखोगे, तभी आप भविष्य में कुछ सक्सेसफुल बनोगे। थैंक यू।